आपका हमारे चैनल न्यूज़ ब्लास्ट में स्वागत है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पहुंचाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आप अगर पॉलिसी देखें और नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो यूएस सेनेट ने 2019 का पास किया है, उसमें तो सर क्लियर कट उनकी पॉलिसी नजर आ रही है। आई गेस दे आर नाइदर कंफ्यूज नॉर अंडरस्टूड, बिकॉज इसमें अगर देखें तो भारी भरकम एक उन्होंने पॉलिसी स्टांस रखा है। भारत के लिए उनको नवाजा भी है, जो एडवांस सेंसिटिव जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका एक्सेस भी उन्हें दिया है। उन्होंने कहा है रशिया से भी अगर आपको लेना पड़े आप ले लें, तो मजीद उन्हें एक्सेस भी दे रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज भी दे रहे हैं और बड़ा डिफेंस का पार्टनर है इंडिया अमेरिका का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये 716 बिलियन डॉलर में बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, लेकिन पाकिस्तान की इमदाद उन्होंने काटी है। तो इंडिया को वो ज्यादा नवाज रहे हैं, पाकिस्तान की इमदाद काट रहे हैं, पाकिस्तान पर एक्सटर्नल प्रेशर भी डाल रहे हैं, अफगानिस्तान की नाकामियों का जो मलबा है वो भी पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये मिसअंडरस्टूड पॉलिसी है अमेरिका की टुवर्ड्स सी पैक, या ये सोची समझी एक साजिश है, या उनकी हिकमत अमली है, प्लान है कि पाकिस्तान को जितना वो कॉर्नर कर सकते हैं वो करें? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। आपने मेरे सवाल को भी ठीक, मेरे जवाब को समझा नहीं है ठीक से। अमेरिका ने जो भी कहा है ये उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद से, जब से ये नई हुकूमत आई है, उसने अपने पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर टर्म में एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमें इस किस्म के जो चीज़ें हैं डिफेंस ऑथराइजेशन के, जिसका आपने जिक्र किया है, हमें हैरानी नहीं है, होना ये था, हमें सब पता है। मैं जो बताना चाह रहा था कि उनके जिन लोगों ने भी माइक पोम्पियो को ब्रीफ किया है अबाउट सीपेक एंड चाइनीज लोन, वो गलत था, क्योंकि उन बहुत सारे लोगों को बाहर में भी, इवन पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को पता नहीं है कि ये चाइनीज लोन है क्या, ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है या लोन है, या किस टर्म में पाकिस्तान में आया है, ये लोगों को भी नहीं पता है। और मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत ने जानबूझकर इसको इतना इस तरीके से रखा। अगर इसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती तो मेरे ख्याल में आज ये सारी चीजें हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उन्होंने गलत अंदाजा लगाया है सीपेक और सीपेक के लोन को। हमें उनकी पॉलिसी का बिल्कुल पता है कि वो क्या चाहते हैं, उसमें कोई, हमारे फॉरेन ऑफिस को भी पता है, तो इसमें कोई हमें हैरानी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने गलत समझा है या पिछली गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी और शफाफियत नहीं रखी, जो कि नहीं रखी उन्होंने अभी भी, जो सीपैक का एहसन इकबाल साहब ने जो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक किया था उसके अंदर भी कोई मालूमात नहीं थी कि जिससे हम समझ सकें कि कौन से प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वेस्टर क्या करे, उसे क्या मालूमात मिले और वो किस तरह किस से डील करे, किसके पास जाए कि उसे मालूमात मिले। बहुत सारी चीजें जो है वो उसके अंदर रखी नहीं गई, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सर, ये क्या वजह है कि अगर वो मिसअंडरस्टूड हुए हैं सीपैक के हवाले से, तो कौन जाके उन्हें क्लैरिटी देता? किसने, ये किसका काम था कि उन्हें क्लैरिटी दे सीपैक और नए कर्ज के हवाले से, मतवक्का आईएमएफ के कर्ज के हवाले से? आप समझते हैं कि वजारत खारजा में बैठे हुए लोगों की ये जिम्मेदारी थी, हमारे एम्बेसडर्स की जिम्मेदारी थी, साबिक प्राइम मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी थी कि वो ये काम करते? बिल्कुल सही कहा है। देखिए, जिस मुल्क में 5 साल तक वजीर खारजा ना हो तो वहां यही होता है ना, जो डिफरेंट कैपिटल्स में आपकी बातें नहीं पहुंचती हैं, दूसरे जो पहुंचाते रहते हैं वो बार बार वही बातें सुनते हैं उनसे, वो समझते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं। हमारे पास भी कोई एक फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर होता तो वो जाके ब्रीफ करता उनको कि भाई ये ऐसी चीज नहीं है, दिस इज द फैक्चुअल पोजिशन। तो हमने जानबूझकर दुनिया को एक खुला, क्या कहते हैं कि, एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आपको पाकिस्तान को जितना मलाइन कर सकते हैं करें। हमारी तरफ से कोई आवाज नहीं उठती थी क्योंकि हमारा कोई वजीर खारजा ही नहीं था, क्योंकि वजीर खारजा जो है वो किसी मुल्क का एक फेस होता है इंटरनेशनल कैपिटल्स में। जो 5 साल तक
अगर घर में कोई मेहमान आपके ना आए तो वो लोग भूल जाते हैं, आपका चेहरा भी भूल जाएंगे।